नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे से YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, अगर आपने ITI का डिप्लोमा कर रखा है और किसी भी सरकारी नौकरी की तलाश में हो या फिर रेलवे रिक्वायरमेंट की तलाश में हो, तो दोस्तों बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि 6 रिक्वायरमेंट बताने वाले हैं। रेलवे से रिलेटेड और ITI से रिलेटेड 6 रिक्वायरमेंट है। सिर्फ यहाँ पर शर्त ये रहेगी कि आपका ITI का डिप्लोमा होना चाहिए और मिनिमम 10th पास होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, मोबाइल या लैपटॉप कहीं पर भी। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पर सिंपली टाइप कर देना है सरकारी रिजल्ट। दोस्तों आज मैं जिन 6 रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो 6 की 6 रिक्वायरमेंट आपको sarkaririzult.com पर मिल जाएंगी। इसलिए आप गूगल पर सिंपली टाइप कर दीजिएगा सरकारी रिजल्ट, पहली लिंक आ जाएगी, तो आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो थोड़ा नीचे की तरफ आपको आ जाना है। देखिए यहाँ पर 3 कॉलम, जैसे कि यहाँ पर 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर फर्स्ट रहेगा रिजल्ट, सेकंड रहेगा एडमिट का, तीसरा रहेगा लेटेस्ट जॉब का, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा और नीचे की तरफ आपको आते जाना है। लेटेस्ट जॉब में सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको व्यू मोर का एक ऑप्शन दिखेगा, बटन दिखेगा लेटेस्ट जॉब के बॉक्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली आपको लेटेस्ट जॉब के बॉक्स में लास्ट में व्यू मोर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लेटेस्ट जॉब की पूरी लिस्ट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर जितनी भी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट निकाली गई हैं, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आज हम जिस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको नीचे की तरफ आते जाना है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा दिख रहा होगा रेलवे WCR भोपाल अपेंटेंस ऑनलाइन फॉर्म। देखिए इसकी लास्ट डेट 21 जनवरी 2019 रखी गई है। तो सिंपली पहले तो मैं इसी के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म है वो MP ऑनलाइन के थ्रू भरा जाएगा। यहाँ पर सिंपली जनरल OBC की फीस रहेगी ₹170, पोर्टल चार्ज सहित यहाँ पर, और SC ST की फीस रहेगी मात्र ₹70, और यहाँ पर फीमेल के सभी कैंडिडेटों के लिए ₹70 फीस रहेगी। इसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 27 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई शाम को 4 बजे तक, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम की डेट नोटिफिकेशन बता रहा है, और यहाँ पर पोस्टें अवेलेबल बता रहा है कि कितनी कैसी क्या पोस्टें हैं SC OBC ST के लिए। और यहाँ पर 3 लिंकें दी गई हैं जहाँ से आपको फॉर्म भरना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लिंक दी गई है अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दे तो डायरेक्ट इसी की वेबसाइट पर आप पहुँच जाओ जहाँ से इसका फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ही इसकी रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट लिंक पर, और यहाँ से अपना प्रिंटआउट दोबारा निकाल सकते हो या फिर फीस जमा कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आज हम दूसरी जिस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले थे, वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर रेलवे WCR अपेंटिस ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पर जैसे कि आप क्लिक करोगे तो इसकी भी डिटेल्स आ जाएगी, लेकिन इसकी लास्ट डेट्स 16 जनवरी 2019 रखी गई है शाम के 4 बजे तक, और यहाँ पर एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन सून बता रहा है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर फीस आपकी सेम टू सेम वही रहेगी, और यहाँ पर पोस्टें आपको 958 पोस्टें देखने को मिलती हैं, 958 पोस्टें देखने को मिलती हैं। जो मैंने भोपाल के बारे में बताया था आपको, इसमें आपको 200 पोस्टें देखने को मिलती हैं, और इसमें आपको 958 वैकेंसी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सिंपली उसी टाइप से आपको कुछ जरूरी लिंकें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो फर्स्ट लिंक रहेगी आपकी अप्लाई फॉर्म की, और सेकंड लिंक रहेगी आपकी आप दोबारा फीस जमा करने की या फिर प्रिंट आउट निकालने की, ठीक है ना। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आप साइट के होम पेज पर पहुँच जाओगे, और यहाँ पर देखिए आपकी सबसे लास्ट में यहाँ पर आपकी वो वैकेंसी दी रहेगी। देखिए वैकेंसी पहचानने का सीधा सा तरीका है, यहाँ पर लास्ट डेट देख लें किसकी क्या लास्ट डेट है, तो आपको पता चल जाएगी कौन सी अपॉइंटेंस की और कौन सी अपॉइंटेंस भोपाल की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आपकी 958 पोस्टें अवेलेबल हो रही थी, उसका रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से करना है। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिंक दी गई है। इसके बाद चलिए तीसरी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा और नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर देखिए रेलवे RRB GE ऑनलाइन फॉर्म,
दोस्तों ये फॉर्म एमपी ऑनलाइन के थ्रू नहीं है, इसीलिए इसकी सारी डिटेल्स अलग रहेगी। डिटेल्स पूरी की पूरी आप उसी तरीके से चेक कर सकते हो। यहाँ पर रेलवे की रिक्वायरमेंट है तो आपको भरने में आसानी होगी। रेलवे की वेबसाइट यहाँ पर उसी तरीके से आपको पूरी पूरी लिंक दी गई है, आप यहाँ से आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर आईटी सभी तरह की पोस्टें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं चौथी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो चौथी रिक्वायरमेंट के लिए आपको थोड़ा और नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा दिख जाएगा रेलवे RRC NR दिल्ली अपेंटेंस ऑनलाइन फॉर्म। देखिए इसकी भी प्रोसेस सेम रहेगी, आपको यहाँ पर देखिए लिंक सारी की सारी लिंक अवेलेबल करा दी जाएगी और यहाँ पर फीस की डिटेल्स और वैकेंसी की डिटेल्स और लास्ट डेट स्टार्ट डेट सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पांचवी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो थोड़ा आपको और नीचे की तरफ आ जाना है। देखिए पांचवी और छठवीं रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इनकी डेट बहुत ही कम बची है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आपको पांचवी रिक्वायरमेंट के बारे में बताने वाला था, तो यहाँ पर RRCWR अपेंटेंस ऑनलाइन फॉर्म और जो छठवीं रिक्वायरमेंट रहेगी वो इसके नीचे ही आपको देखने को मिल जाएगी, MPP GCL अपेंटेंस ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अपेंटेंस से रिलेटेड पूरे के पूरे फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगी, बस वेबसाइट चेंज रहेगी, लेकिन यहाँ पर सरकारी रिजल्ट के माध्यम से आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। पूरी लिंक डायरेक्ट मिल जाएंगी और लास्ट डेट स्टार्ट डेट फीस वगैरह फ्रंट पेज पर ही आपको देखने को मिल जाएगा कि किसकी कैसी क्या लास्ट डेट है और फीस कैसी क्या है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट है, सातवीं रिक्वायरमेंट NCL अपेंटेंस ऑनलाइन फॉर्म। तो इसकी भी लास्ट डेट 12 जनवरी 2019 रखी गई है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से देखकर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आई होंगी ये रिक्वायरमेंट्स, और आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ RTI होना जरूरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।